To all of you, myself Sumesh Singh and your favorite channel Sankalp Academy Plus. आपका सपोर्ट है जिसके थ्रू ये चैनल कंटिन्यूसली अबाउट 5 months से काफ़ी अच्छे स्पीड से आगे जा रहा है. अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री कंटिन्यू की है, 9th की केमिस्ट्री कंटिन्यू हुई है, 9th-10th की बायो कंटिन्यू हो रही है, 12th का केमिस्ट्री फॉर नीट जेई और एम्स के लिए आगे कंटिन्यू हो रही है. अब हम लोग क्लास 11th पे भी काम कर रहे हैं. आज से मैं आपके क्लास 11th का ऑर्गेनिक पोर्शन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं. मीन्स हम लोग 11th के सेकेंड पोर्शन, सेकेंड बुक आपकी ऑर्गेनिक है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एक साथ प्रोसीड किया गया है. उसमें हम ऑर्गेनिक पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आपकी डिमांड भी थी कि सर 11th की भी केमिस्ट्री को कंटिन्यू करें. तो आपका सपोर्ट है और आपकी भी स्टडी आगे प्रोसीड होते रहे, इसके लिए मैं अब 11th का भी केमिस्ट्री आपके साथ आज से कंटिन्यू कर रहा हूँ. आज सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें पहला टॉपिक होगा डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चूँकि बेसिक आज का क्लास है, तो जो भी बेसिक मेन टॉपिक्स आपके चैप्टर से हैं, जो बेसिक से हैं, वो मैं सबसे पहले आज आपके साथ डिस्कस कर दूँगा, क्योंकि आपको आगे बेसिक में कोई प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले आज का टॉपिक डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा पहला टॉपिक होगा. सेकेंड इज दैट सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या सोर्सेस हैं वो मैं आपसे बात करूँगा. देन कम्स एट वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर मैं आपके साथ वाइटल फोर्स थ्योरी पे डिस्कशन करने वाले आने वाला हूँ. देन आफ्टर वोहलर कंसेप्ट, कौन सा वोहलर कंसेप्ट क्या है, ये सब कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, चूँकि ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के बेसिक में दिए गए हैं. कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने शॉर्ट टाइम में कैसे फॉर्म हो गए, वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ. टाइप्स ऑफ चैन की मैं बातें करूँगा, चैन के कितने सारे टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ. एंड देन आफ्टर कम्स एट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, और फिर मैं आपके साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला का भी आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक इस टॉप वीडियो में डिस्कशन होने वाला है. तो ये आपका ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा. पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ अपनी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का. चलिए तो टाइम को ना किल करते हुए पहले टॉपिक पे हम आते हैं, और वो पहला हमारा टॉपिक्स होने जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है, जितना सिंपल वे में समझ सकूँ उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन हो सकता है कि ये एक कह सकते हो कि जो भी आपके कार्बन्स और कार्बन कंटेनिंग जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके प्रिपरेशन, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर का स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मीन्स यू कैन से दैट कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर के बारे में जानना, कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर, कैसे हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट अबाउट देयर फंक्शन, क्या उनका फंक्शन होने वाला है, एंड वी ऑल्सो स्टडी देयर दोज फंक्शन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ. और वे सारे फंक्शन के बारे में भी जानना जरूरी है कि वह हमारे डेली लाइफ के लिए कितना ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है. मीन्स आप ये कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड द कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स. That's a study related with their properties. That's a study related with their function. That's a study related with their preparation. ये study उनका preparation पे है कि कैसे बनाएंगे, उनके properties पे है, और ये study उनके function के बारे में है, और वो function के बारे में भी है जिसका हम अपने daily life में use करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? वो सभी बातों का यहाँ पे क्या है discussion है. ये सब कुछ carbons के बारे में है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए. सब पहले लिखिए इसको,
इसका नोट्स कीजिए सबसे पहले। तो डिफाइन करते हैं हम लोग, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ दो पॉइंट्स लिखा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन्स और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, छोटी सी पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कॉन्टेन ओनली फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रोकार्बन स्मॉल पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स होता है दैट्स मेड फ्रॉम टू वर्ड विच इज कॉल्ड द हाइड्रो एंड द सेकेंड इज कॉल्ड कार्बन। हाइड्रो मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन्स समझते ही हो, दैट इज कॉल्ड कार्बन। मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। वैसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन प्लस क्या हो, कार्बन हो, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। दैट्स हाइड्रोकार्बन इज जनरली यू नो दैट थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड अल्केन, तो हम यहाँ अल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द अल्कीन एंड द ऑल्सो स्टडी अबाउट द अल्काइन। ये तीनों टॉपिक्स के बारे में, अल्केन दैट्स जनरल फार्मूला CnH2n+2, सिंबॉल फॉर आइडेंटिफिकेशन सिंगल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n, सिंबॉल दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, अल्काइन CnH2n-2, सिंबॉल फॉर आइडेंटिफिकेशन ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पोर्शन का स्टडी किया जाएगा जिसमें अल्केन के बारे में स्टडी होगी, अल्कीन के बारे में स्टडी होगी, अल्काइन के बारे में स्टडी होगी, जिसमें हम लोग सबका नोमेनक्लेचर देखेंगे, आइसोमेरिज्म देखेंगे। ठीक है, ये आगे की काफ़ी अच्छी टॉपिक है। फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि अगर आप पढ़ना शुरू करो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन पोर्शन में आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर को लेकर के आते हो, सेकंड पोर्शन में आप उसके आइसोमेरिज्म को, और तीसरे पोर्शन में आप उसको क्या कर सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी अगर ऑर्गेनिक का अगर आपको हार्ट पढ़ना है, ऑर्गेनिक का अगर आपको दिल जानना है कि ऑर्गेनिक के बारे में उसके अगर मतलब कह सकते हो कि ऑर्गेनिक का अगर जान आपको जान लेना है, तो आपको सबसे पहले उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी जा करके आप ऑर्गेनिक को अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अभी हम लोग एज स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो दिन भी आएगा जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा और तब आप बोलोगे कि हाँ सर ने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया वो केमिस्ट्री कितना ज़्यादा हमारे यूजफुल के लिए है। तो सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। अब आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये भी समझ लीजिए, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आई होप यू समझते होंगे कि डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब जिससे क्या किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि बटर जो है किसका डेरिवेटिव्स है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर बटर जो है वो मिल्क का क्या है, डेरिवेटिव्स है। मैं अभी बोलूं कि घी किसका डेरिवेटिव्स है, आप तुरंत बोलोगे सर घी जो है वो मिल्क का डेरिवेटिव्स है। तो डेरिवेटिव्स मतलब होता है जिससे निकाला जाता है। तो वैसे ही डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन से बनने वाले डेरिवेटिव्स में बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल्स हम लोग अल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ईथर के बारे में स्टडी करेंगे,
हेलो अल्केन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, हेलो एरीन के बारे में स्टडी करेंगे, ये स्टडी करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में एक स्टडी करेंगे, कीटोन के बारे में स्टडी करेंगे, अल्डिहाइड के बारे में स्टडी करेंगे, कितना का मैं लिख सकता हूँ, बहुत सारा है। ये सभी बार के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके प्रिपरेशन के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करना पड़ता है। तो दैट इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफिनेशन हुआ और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। नाउ अब मैं आपके साथ यहाँ बताने जा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या सोर्सेस हैं, उससे पहले आप पहले एक वर्ड पढ़ लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होते हैं, ठीक है ना, उस कार्बन रखने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसके पास भी कार्बन हो, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो जिस कंपाउंड्स में मेन कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में कार्बन अवेलेबल होता है, उसी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अल्केन कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट है, साथ में हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अल्कीन कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, हाइड्रोजन सपोर्टिंग है, तो ये भी क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अल्काइन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कीटोन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये इसको डिफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ईथर, अल्केन, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो यहीं पे, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, गैलेक्टोज, माल्टोज, प्रोटीन, कितना सारा लिख सकते, बहुत सारा है, कितना को मैं लिख सकता, बहुत सारा हो सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारा क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बिकम्स दैट सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या क्या सोर्सेस है, टॉपिक्स बिकम्स दैट सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या सोर्सेस होने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक, तो जनरली इसके दो सोर्सेस होने वाले हैं। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसे या तो प्लांट से निकाला जाता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसे हम क्या करते हैं, एनिमल से निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू एंशियंट थ्योरी। ये हमारी पुरानी थ्योरी है जो कहती है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड थ्योरी। ये कहती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते थे या फिर किसी एनिमल सोर्सेस से क्या करते थे, निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बोला, जैसे एग्जाम्पल में सेलुलोज, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेलुलोज एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दैट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट बार्क, जिसको हम प्लांट के बार्क से निकालते थे, या फिर ये बोल सकते हो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल।
या फिर इसे प्लांट के सेल वाल से क्या किया जाता था, ऑब्टेन किया जाता था, लाइक सुक्रोज, सुक्रोज दैट इज C12H22O11। सुक्रोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सुक्रोज दैट इज अ टाइप ऑफ, सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड होता है ये, आपको मैं पढ़ाऊंगा सब कार्बोहाइड्रेट, तो आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स के कई सारे टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड जिसमें दो मोनोसेकेराइड का क्या होता है, एडिशन होता हो, तो एक मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड में कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। तो यहां देखो टोटल कार्बन का नंबर 12 है, मतलब कि दो मोनोसेकेराइड का एडिशन है, इसलिए आप इसे क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड डाइसेकेराइड। तो दैट इज कॉल्ड द डाइसेकेराइड, ये क्या होगा हमारा डाइसेकेराइड होगा। तो सुक्रोज दैट ऑब्टेन फ्रॉम केन शुगर, पता है ना आपको इंक से क्या किया जाता है, इसे निकाला जाता है, इस सुक्रोज को, दैट इज अ टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स से निकाला जाता है, जैसे लेमन से ऑब्टेन किया जाता है। तो दीज आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग प्लांट सोर्सेस से क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं, प्लांट सोर्सेस से इसे निकालते हैं। फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस से क्या होने वाला है, एनिमल सोर्सेस से लाइक लैक्टिक एसिड, लाइक लैक्टिक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम मिल्क, आपका मिल्क से ऑप्टेन किया जाता है लैक्टिक एसिड, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि एनिमल सोर्सेस, मिल्क से क्या किया जाता है, ऑप्टेन किया जाता है। इसके अलावा लाइक ब्यूटायरिक एसिड विच इज ऑप्टेन फ्रॉम बटर से क्या किया जाता है, इसे ऑप्टेन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट थ्योरी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर कम था तो इसे ऐसा माना जाता था कि वी कैन ऑप्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ टू सोर्सेस, सम ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस एंड सम ऑप्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस, ठीक है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ। अभी आप इतना जान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एंशियंट थ्योरी के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में आपको सोर्सेस को बांटा गया कि कुछ ही को प्लांट सोर्सेस से ऑप्टेन किया जाता है और कुछ को किससे, एनिमल सोर्सेस से निकाला जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी कम्स, अगले तीसरे टॉपिक्स पे आते हैं जिसका नाम क्या है, दैट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर ऑर्गेनिक, और आपके क्लास टेंथ में भी आप इसको पढ़ा होगा, जब आप कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर बताया गया होगा दैट इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं दैट इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी का। तो चलिए थर्ड टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म हो गया, नाउ वी कम्स दैट थर्ड टॉपिक विच इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट विच वॉज गिवेन बाय द बर्जिलियस, ही टेल्स दैट वी कैनॉट प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर बाय द सुपर नेचुरल पावर विच इज कॉल्ड द नेचर बाय द एनी नेचुरल फेनोमेनन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स विच आर बी इम्बेडेड इनसाइड द सॉयल एंड ड्यू टू द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स दे विल बी स्लोली कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी फिर से मैं एक बार और बता दूँ, दिस थ्योरी टेल्स दैट वैन ड्यू टू द एनी नेचुरल प्रोसेस, एनी नेचुरल डिस्ट्रक्शन फेनोमेनन लाइक अर्थक्विक, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एम्बेडेड या कवर्ड फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट
एंड ड्यू टू द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस दीज कंपाउंड्स दीज प्लांट्स दीज एनिमल्स कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कहता क्या है, ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बर्जीलियस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तभी बनते हैं जब अर्थ पे कोई नेचुरल फेनोमेनन होती है, कोई वाइटल फेनोमेनन होती है, जैसे अर्थक्विक होता है जिसके थ्रू काफी सारे प्लांट्स एनिमल्स अर्थ के लोअर पोर्शन में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, जहां पर एयर का लिमिटेड सप्लाई होता है और फिर वहां पर बैक्टीरियल फंक्शन के थ्रू डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू दैट्स मैटर ऑफ द प्लांट बॉडीज दैट्स मैटर ऑफ द एनिमल बॉडी स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। चूंकि ये थ्योरी टोटली किसी सुपरनेचुरल पावर पे डिपेंड करती है इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी रखा गया दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको नोट डाउन करते हैं, फिर से मैं एक बार और आपको रिकॉल करा दूंगा कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। चलिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस बर्जीलियस एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैनॉट प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इनटू लैबोरेटरी और लैब दे कैन only prepared by natural process or phenomenon like earthquake when large number of plants body and animals body covered by earth layer or soil layer and due to decomposition by
बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज बॉडीज और मास स्लोली कन्वर्टेड slowly converted into carbon containing compounds means organic compounds in the presence of limited supply of air means an aerobic respiration which is known as carbonization process. And this theory is called vital force theory. क्या लिखा है? This theory was given by the Berzelius. ये theory Berzelius के द्वारा दिया गया है. According to this theory, we cannot be prepared the organic compounds in laboratory. ये पूरा साफ क्लियर शब्द में इसने बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड कभी भी नहीं कर सकते हैं. दैट्स कैन प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ एनी नेचुरल प्रोसेस. अर्थ पे कोई नेचुरल प्रोसेस होगा एंड द सम प्लांट्स एनिमल्स विल बी कवर्ड बाय द अर्थ लेयर, जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स काफ़ी सारे एनिमल्स अर्थ लेयर में नीचे दब जाएंगे. एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द एनएरोबिक रिस्पायरेशन दे स्लोली कन्वर्टेड इनटू कार्बन कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी. और ये चूंकि सुपर पावर पे डिपेंडेंट है, एक वाइटल फेनोमेनन पे डिपेंडेंट है, सो इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा है? दैट इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी. क्लियर? दिस थ्योरी वाज द वेरी वेरी लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्टेड. ये थ्योरी काफ़ी लंबे समयों तक सारे लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट करके चला कि हाँ, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. बट एक होता है ना कि अगर कोई चीज़ होने वाला होता है तो कोई चमत्कार हो जाता है. एक छोटी सी कोई ना कोई एक ऐसा काम हो जाता है जिसके बाद से ये लोग समझ लेते हैं कि हाँ, अब ये काम कर पाना क्या है, संभव है. जस्ट सेम थिंग्स वॉज रिलेटेड विद द साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड द फ्रेंडलिच बोहलर. ये थ्योरी काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोग चलाते रहे इसको, लोग मानते रहे. लेकिन कुछ ऐसा काम हुआ एक साइंटिस्ट वोहलर के साथ. वोहलर ने अमोनियम साइनेट को हीट करना शुरू किया था अपने लेबोरेटरी में. अमोनियम साइनेट को उसने हीट करना शुरू किया एंड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट दे दिस कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इंटू फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये कंपाउंड जो अमोनियम साइनेट था जिसको उसने लैब में हीट करना शुरू किया था, तो वो नहीं जानता था कि उसके थ्रू वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेगा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके हाथ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने वाला है. बस उसे कोई दूसरा कंपाउंड बनाना था, इसलिए वो अमोनियम साइनेट को क्या कर रहा था, हीट कर रहा था. देन आफ्टर दिस अमोनियम साइनेट कन्वर्टेड इन टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज कॉल्ड द यूरिया. जब उसके अमोनियम साइनेट के हीट करने के बाद जब उसके थ्रू यूरिया बन गया, तो उसने देखा यार ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया.
जो आज तक हम लोग यही पढ़ते थे कि और यूरिया जो भी बनता है, अभी तक हमारे जो बर्जिलियस साहब थे ये बोलते थे कि ये, और चूंकि यूरिया जो था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और बर्जिलियस साहब के अकॉर्डिंग ये यूरिया कभी भी नेचुरल फेनोमेनन के थ्रू ही बन सकता था, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बोनाइजेशन के थ्रू ही बन सकता था। अरे, और मुझसे आज पहली बार यूरिया लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो गया, दैट्स आफ्टर दिस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज बी नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद से ही वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया जाने लगा, लोग मानने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसने बनाया था, तो दैट्स फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड द यूरिया, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द वोहलर। ये किसने बनाया था, वोहलर ने प्रिपेयर किया था। क्लियर? तो इसके बाद से अभी मैं जस्ट आपके साथ बात करने वाला हूं वोहलर कंसेप्ट, इन विच यू कैन स्टडी हाउ कैन प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द यूरिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ अभी जुड़ने वाला हूँ दैट इज द वोहलर कंसेप्ट के साथ। चलिए मेरे साथ वोहलर कंसेप्ट को देखिए। एफ वोहलर मीन्स फ्रैंडलिच वोहलर, इनका पूरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द फ्रैंडलिच वोहलर स्टार्टेड द हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट इनटू लेबोरेटरी, देन सडनली ही सॉ दैट ए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया NH2CONH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया NH2CONH2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NH2 होल ट्वाइस CO, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड यूरिया। दिस was the just a new revolution in organic chemistry, and after that vital force theory was not be accepted। हुआ क्या कि वोहलर को ये पता ही नहीं था कि वो जो काम करने जा रहा है उससे वो काम हो जाएगा, क्योंकि वोहलर तो अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था किसी दूसरे कंपाउंड्स को क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन उसने देखा कि जैसे ही उसने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो वो अमोनियम साइनेट क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उस अमोनियम साइनेट से उसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जो कि यूरिया था। तो उसने देखा, अरे यार यूरिया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और हमने तो यूरिया को क्या कर दिया, लैब में प्रिपेयर कर दिया, और वही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था जिसे ऑर्गेनिक क्या किया गया था, लैब में वोहलर के थ्रू क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। और इस थ्योरी को किसके नेम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द वोहलर थ्योरी, दैट इज कॉल्ड द वोहलर कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन विच वॉज गिवन बाय द वोहलर। ये क्रांति थी जिस क्रांति को वोहलर ने लेकर के आया था। ठीक है, तो इसने किया क्या था, तो इसने कुछ नहीं किया था, इसने किया था NH4CNO, दैट इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया था, डेल्टा मीन्स उसने क्या किया था, हीट किया था, एंड दैट्स आफ्टर दैट दिस कन्वर्टेड इंटू NH2CONH2 which is also called NH2 ka whole twice CO, and this is called urea। And so urea first time banaya gaya tha laboratory mein, urea first time laboratory mein banaya gaya tha, so
इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए यूरिया को हम क्या कहते हैं, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद से अब लोगों ने समझ लिया कि अब हम लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से एल्डिहाइड का, फॉर्मलिन का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, ठीक है ना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, फिर उसके बाद से आपका अल्कोहल को साइंटिस्टों ने प्रिपेयर कर लिया लैब में। ऐसे करते 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 काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाने लगा, जो कि अब वाइटल फोर्स थ्योरी था, अब ये पूरा पूरा गलत हो चुका था। अब यहाँ से एक नई रिवोल्यूशन आई, दैट्स वी कैन प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया by the Wohler, large number of organic compounds prepared in laboratory. उसके बाद से क्या हुआ, काफी ज्यादा organic compounds को laboratory में क्या किया जाने लगा, prepared किया जाने लगा। तो दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल वीडियो फॉर योर क्लास 11th। ये मेरा पहला फंडामेंटल वीडियो था जो क्लास 11th के लिए था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अबाउट 1 आवर का वीडियो हो जाता है इसलिए। और जो आपके जो टॉपिक्स थे, जैसे इसके बाद से कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बने, ठीक है, टाइप्स ऑफ चैन एंड होमोलोगस सीरीज, ये आपका सेकेंड नंबर वीडियो में आपका आएगा। मीन सेकंड वीडियो जो मैं आपको प्रोसीड करूंगा, सेकंड वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा, उसमें आपका जो अदर जो टॉपिक्स इसमें के हैं वो टॉपिक का मैं डिस्कशन करूंगा, और उसमें होमोलोगस सीरीज को भी आपके साथ शामिल कर दूंगा। तो आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक का काफ़ी अच्छा लगेगा। आप अपना कमेंट वीडियो देखने के बाद जरूर अपने मेरे चैनल पर प्रोसीड करें, उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आपको कंटेंट दिया है वो आपको कितना अच्छा लगता है, या फिर आपके सिलेबस के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, या अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपको मेरा जो थॉट्स है वो कितना अच्छा लगता है। हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जैसे जुड़े हैं वैसे हमेशा की तरह जुड़े रहेंगे। मेरा थॉट यही है कि आप जितना अच्छा कॉन्टेंट पढ़ सकें वो आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, और आपका सपोर्ट ही है कि जिसके थ्रू हम लोग काफ़ी आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब आपका 11th भी स्टार्ट हो चुका है, आप अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो ज़रूर उन्हें शेयर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, नेक्स्ट लेक्चर आई होप 2 या 3 डेज़ के अंदर ज़रूर वो भी आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।